सिचुएशन होता हुआ और एंटिटी 3v4v1 का सिचुएशन होता हुआ क्लच गॉड के साइड से आया है। एक ने क्रैटोस की बात करें, उन्होंने गाड़ी थोड़ी देर पीछे खींची, ओएस अभी भी बैठे हुए, नेड आया था क्लच गॉड का, क्रैटोस को डाउन किया, एंड स्क्वाड पूरी तरीके से एलिमिनेट होती हुई। ये क्या देख लिया भाई साहब, एक्सपेक्टेड नहीं था ये चीज। सबके पास उजी मुझे दिखाई दे रही है, नीचे जो बंदा उसके पास भी उजी है, पांच सिंह जो थे उनके पास भी उजी है, M16 और AKM के साथ यहाँ पे हैं ब्ला, बाकी इनको देखते हैं। ओके, एक नेड आया और इसी के साथ पूरी स्क्वाड खत्म होते हुए डेड आइस। बट गॉडन की स्क्वाड मुझे लगता नहीं है रुकेगी, यस बिल्कुल वो रश करेंगे। प्री नेड दो मेंबर्स ने निकाल लिया और पूरी तरीके से हावी होते हुए गॉडन की स्क्वाड, इसी के साथ मुझे लगता है कि जो स्क्वाड है वो एलिमिनेट हो जाएगी। बट गॉडन कैरी डाउन होते हुए सीसी के द्वारा हाई रिस्क एडवांटेज का यूज करेंगे गॉडन के मेंबर्स, बट मेगा स्क्वाड भी ऊपर के साइड और शायद यहाँ पे फंस सकती है। गॉडल और वीएससी क्रॉल्स दोनों फंस सकती है, स्वैग ऊपर से शॉट्स दे रहे हैं, बट इनका भी एक मेंबर डाउन है, जल्दी रिवाइव करना पड़ेगा। अभी की बात करें तो अंदर स्मोक के साइड पे मेगा पैराडॉक्स डाउन पे रिवेंज के बॉस के द्वारा गॉडल किल ने वीएससी क्रॉल्स के सीसी को फिनिश किया, गॉडल स्मोक ही डाउन वीएससी क्रॉल्स के अभी के द्वारा, रिवेंज परफेक्ट को हेडशॉट लगा वीएससी के द्वारा, गॉडल किल डाउन करते हुए अभी को ऊपर से स्पॉट किया है। ईएक्स के ऑरेंज जो थे वो भी डाउन हो चुके हैं, फाइनल बॉस पैराडॉक्स को डाउन और फिनिश दोनों कर गए हैं। गॉड सोल वर्सेस एफडी होता था, शॉट दिया है उन्होंने, ऊपर से गाड़ी निकली है सोल की, बस होने के कगार पे नहीं, थोड़ा बहुत डैमेज उन्होंने दिया। सांगवान पीछे के साइड से निकलेंगे, सोल रेगटोस और मॉर्टल आई गेस एक साथ हैं, यस बिल्कुल एक साथ है, गाड़ी वहां पर उन्होंने रोक ली है। बाकी सोल के वाइपर मुझे काफी ज्यादा क्लोज दिखाई दे रहे हैं, यस बिल्कुल एक चांस इसी एच पे है, आईएनटी क्रैटोस ऊपर के साइड पे मुझे नजर आ रहा है। बाकी एक और फ्लेयर गन चलाई गई है, शायद ये भी बीआरडी वाइपर के पास अभी के लिए यहां पे स्कारल है। बाकी एंटिटी की स्क्वाड को वो स्पॉट कर सकते हैं, शॉट देने की कोशिश कर रहे हैं सोल की स्क्वाड पे, वाइपर फंस सकते हैं, पिछले मैच में भी अकेले पकड़े गए थे। बट सांगवान गाड़ी ब्लास्ट किया यहां पे एंटिटी न्यू ने, डाउन किया सांगवान को, नाइस लूज द डाउन ऑन टॉप के द्वारा, बट वाइपर को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। सामने चार के चार मेंबर है एंटिटी के और वो यहाँ पे अकेले हैं, पीछे से कवर वैसे दिया जा सकता है, हाई रेज एडवांटेज पे है इस टाइम सोल, सांगवान काफी ज्यादा दूर है, स्मोक कर दिया गया, मे भी बचाने की कोशिश होगी बट बहुत ज्यादा दूर है, बहुत ही ज्यादा दूर है। रेगल्टोस कोशिश तो कर रहे हैं बट उनको भी डैमेज पड़ता हुआ डीटी का, सोल वर्सेस एंटिटी की फाइट यहाँ पे चलती हुई। रेगल्टोस वाइपर अभी भी नीचे के साइड पे, मे भी स्मोक्स वॉल बना के उसके बाद रेगल्टोस पुश करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए कार 98 है मॉर्टल के पास, लेकिन हेडशॉट लगता है बट डीबू यहां पे डाउन होते हुए एक नाइट लूजर के द्वारा, आर्टेमिस डाउन हुए ऑन टॉप के द्वारा और शायद लेक्सटम की स्क्वाड इसी के साथ एलिमिनेट हो जाएगी या नहीं, बट नहीं, लूजर ने यहां पे फिनिश किया डीबू को, पे भी शॉट्स पड़ता हुआ पीछे से फैनाटिक स्क्वाड शॉट्स लेती हुई और सोल अब काफी ज्यादा मुश्किल में फंस गई है। स्काउट ने डाउन किया यहां पे रेगल्टोस को, स्मोक करेंगे बचाने की कोशिश होगी, सांगवान भी डाउन है, अब वाइपर और मॉर्टल पे पूरा दामोदार है, वाइपर काफी ज्यादा दूर है, मॉर्टल अकेले फंस चुके हैं, आईमाजिक क्लोजिंग करेंगे और पूरी फैनाटिक स्क्वाड अब सोल की स्क्वाड पे चलती हुई नजर आएगी। किसी भी टाइम पे वाइपर बहुत ज्यादा दूर है, जल्दी से उनको क्लोजिंग करना पड़ेगा, सोल की स्क्वाड भी जोन के अंदर नहीं है और फैनाटिक स्क्वाड तो बिल्कुल जोन के अंदर नहीं है, फटाफट से जोन के अंदर आना पड़ेगा। मॉर्टल पे सारी निगाहें रखते हैं अभी के लिए, क्योंकि सोल को भी जोन के अंदर जाना पड़ेगा, फैनाटिक को भी जोन के अंदर जाना है, एडमिट स्क्वाड जो दूसरे साइड से रोटेट कर रही है उनको भी जोन के अंदर निकलना पड़ेगा। फैनाटिक स्क्वाड दूसरे साइड से रोटेट करके आए, सामने के साइड से रेगल्टोस उनके मुंह में घूम रहे थे बट मॉर्टल भी डाउन हुए और इसी के साथ सोल स्क्वाड एलिमिनेट होते हुए बाय फैनाटिक स्क्वाड। वाइपर दूसरे साइड में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, मुर्सी को उन्होंने स्पॉट किया है, नाइट लूजर डाउन, मॉर्टल को पूरी तरीके से फिनिश किया स्काउट ने, एडिट्स को एंटिटी स्क्वाड में शॉट दे रही है, एडिट्स सेवन को थे वो भी डाउन, देखो मुर्सी अकेले बचे अपनी टीम से, बहुत ज्यादा प्यारा स्प्रे आता हुआ यहाँ पे ओएस का, ओ डैमेज वाइपर ने दिया और किल जो थी वो ओएस ने करा और सीआर के पास आई गेस यहाँ पे ओम है, यस बिल्कुल ओम है, देखते हैं क्लच गॉड को ओम दे सकते हैं, हेडशॉट पड़ सकते हैं, मिस किया पूरी तरीके से, मिस किया बट 50% जो एचपी थी वो डाउन हो चुके, मेगा स्वैग भी डाउन हो गया, जिगॉर्ड स्पॉटर ने गॉर्डन एग्जिस्ट फाइनली एलिमिनेट होते हुए अभी के लिए जोन के अंदर निकलना पड़ेगा। ओएस केवल जोन के अंदर है, बाकी सारी टीम को जोन के अंदर निकलना पड़ेगा, चार टीमें 11 बंदे अभी भी अलाइव है और एंटिटी का आई गेस चार के चार मेंबर जिंदा है, न्यू ऊपर के साइड पे खड़े हुए थे, बॉडी शॉट पड़ा उनको स्लेयर का, डाउन किया है, क्लच गॉड की बात करें वो भी नीचे के साइड पे, रेवेंज के दो मेंबर जिंदा है, परफेक्ट और बॉस जिंदा है, अभी के लिए एक अच्छा खासा कवर बनाया गया है, बॉस को स्पॉट किया यहाँ पे स्लेयर ने, स्प्रे दिया बट पूरी तरीके से मिस किया, परफेक्ट पूरी तरीके से ओपन में और रिवेंज की स्क्वाड पूरी तरीके से एलिमिनेट हुई बाय आईएनडी स्क्वाड, चार के लिए उन्होंने अपने नाम जरूर किए, बाकी अभी के लिए 3v4v1 का सिचुएशन है, आई गेस 3v4 ओके 4v4v1 का सिचुएशन है, एंटिटी के भी चार के चार मेंबर्स जिंदा है, खाता काफी ज्यादा रिस्क लेके एक पेड़ का कवर उन्होंने लिया है और अभी के लिए एक अच्छे खासे कवर में, बट मंकी जो थी वो ब्लास्ट एलिमिनेट हो गए, क्लच गॉड यहां पे उतरेंगे और ओम का शॉट पड़ सकता था, मिस किया, स्लेयर को देखते हैं क्या ओम शॉट दे सकता है, कुछ को दे सकते हैं या नहीं, अभी भी जो दूसरी बग्गी है वो फोड़ने की कोशिश की जाएगी, क्लच गॉड काफी ज्यादा कम स्पीड पे हुए
ओएस पीछे से थर्ड पार्टी कर सकते हैं, अभी के लिए वो लेटे पड़े हुए। ओएस एक बार फिर से जोन के अंदर है, शायद यहाँ पे 1v4 का सिचुएशन होगा ओएस के लिए, बट जल्दी ही ओएस को कुछ करना पड़ेगा। थोड़े बहुत पीछे से थर्ड पार्टी या सैंडविच वगैरह कर सकते हैं क्लच को, काफी ज्यादा ओपन में, बट खुद भी स्पॉट हो जाएंगे अगर उन्होंने थोड़ा बहुत शॉट्स लेने की कोशिश की तो। जी गॉट और नहीं, काफी ज्यादा वगैरह है, यस बिल्कुल है, बट आईएनडी की स्क्वाड अभी भी शॉट ले रही है। जी गॉट को फिर से काफी ज्यादा डैमेज पड़ा, हील करेंगे अपने आप को। आईएनडी पे इजी चिकन डिनर जाता हुआ अभी के लिए लग रहा है, बट इनको जोन के अंदर जाना पड़ेगा। काफी ज्यादा मुश्किल की बात यह है कि आईएनडी को जोन के अंदर जाना पड़ेगा और एंटिटी स्क्वाड जोन के अंदर है, ओएस भी जोन के अंदर है। इनकी बात करें उनके पास एक पत्थर है, जी गॉट के पास पत्थर तो नहीं है बट अभी भी वो स्मोक के अंदर ही है। अच्छा वॉल बना रखा है, आईएनडी की स्क्वाड जोन वॉल बनाएगी और निकलने की कोशिश करेंगे। न्यू पेड़ के पास पहुंच चुके हैं, ये अच्छी किस्मत उनकी, बट जोन में यहाँ निकलना पड़ेगा आईएनडी को। प्लेयर सबसे पहले निकलेंगे ट्रांसफॉर्म के पीछे पीछे और स्नैक्स और बाकी सारे मेंबर्स जल्दी ही रोटेट करेंगे। ओएस अभी के लिए नीचे साइड पे लेटे पड़े हुए, शायद ओएस के ही क्लोज जाएंगे आईएनडी स्लेयर या नहीं वो देखना पड़ेगा। गाड़ी कवर में लगाएंगे बट क्लच गॉड अगेन शॉट दे रहे हैं उन पर, थोड़ा सा पीछे के साइड पे जाएंगे, गाड़ी ब्लास्ट हुई, अच्छा खासा कवर यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा आईएनडी के लिए। और एंटिटी 3v4v1 का सिचुएशन होता हुआ, क्लच गॉड के साइड से आया है एक नेट, क्रैटोस की बात करें उन्होंने गाड़ी थोड़ी सी पीछे खोली, ओएस अभी भी बैठे हुए, नेट आया था क्लच गॉड का, क्रैटोस को डाउन किया, आईएनडी स्क्वाड पूरी तरीके से एलिमिनेट होती हुई, ये क्या देख लिया भाई साहब, एक्सपेक्टेड नहीं था ये चीज। 1v3 का सिचुएशन है, ओएस वर्सेस एंटिटी होता हुआ, न्यू पे स्पॉट किया, ओएस ने शॉट देने की कोशिश करेंगे बट पीछे से एंटिटी का कवर फायर और एंटिटी इजी चिकन डिनर निकालते हुए विद 15 किल्स।